स्वाति, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैंकी को साड़ी में आप कैसे टक कर सकते हैं। जो आज की वीडियो में मैं इनसाइट वाला टकिंग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली इस वीडियो की पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड हो चुकी है, जो कि पहले से मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। एंड ये है पार्ट थ्री। इसमें बहुत ही मैं सिंपल तरीका जो है आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ईजिली आप उसको टक कर सकते हैं। अगर आप कैसे टक करेंगे तो आपकी जो हैंकी जो है अच्छी दिखेगी। बहुत ही सिंपल, कोई भी डिफिकल्ट वाला मैं आप शेयर नहीं करूंगी। मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी वो ओनली सिंपल तरीके जो है उसके बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं ओनली सिंपल तरीका ही वीडियो में शेयर करूंगी। बाकी मैंने और भी बहुत सारे जो हैंकी टकिंग का आइडिया जो है ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पार्ट वन एंड पार्ट टू में, वो आप वहां पे देख सकते हो। और ये है, मैंने लिया है ये कॉटन की क्या बोलते हैं, कॉटन के रुमाल भी बोलते हैं उसको, जिगजाग वाला है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली उसको लेने के लिए मैंने दो मार्केट घूमने के बाद ही मुझे जाके ये मिली, लेकिन ये एक्चुअली हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसको लेने के लिए, बस ये रुमाल को ही लेने के लिए मुझे दो मार्केट घूमना पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज में बोलना चाहूंगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस शेयर किया कीजिए मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, कहीं भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पे है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। करेंगे ये है हैंकी, और फर्स्ट ऐसे फोल्ड करेंगे, देन हम और एक बार फोल्ड करेंगे, कुछ ऐसे बन जाता है, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। उसको जो है सिंपली हम यहां से पकड़ के हम उसको टक करेंगे। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह आप टक कर सकते हो। एक्चुअली आज जो है मैं सीफन की साड़ी वेयर की हूँ, इसलिए जो है आपको हैंकी यहाँ पे बहुत अच्छे से विजुअल होती है, क्योंकि सीफन की साड़ी जनरली थोड़ा सा सीधू होते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे भले ही आप इनसाइड टक करें, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से विजिबल होती है। कुछ करेंगे, ये है सीधा वाला जो है वो ये वाले हैं, एंड ये पीछे वाला साइड है, तो हम पीछे वाले साइड से क्या करेंगे, कुछ इस तरह दोनों साइड से हम उसको ज्वाइन कर लेंगे, कि जो दोनों की जो बॉर्डर है वो अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कुछ ऐसे दिखता है, और उसी को जो है हम यहाँ पे टक करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बहुत ही सिंपल सी, आप देख सकते हैं कोई भी कॉर्नर से आप उसको पकड़ सकते हो कुछ ऐसे, एंड सिंपली ऐसे ही आपको टक करना है। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे पकड़ेंगे, देन हम कुछ ऐसे करेंगे, ऐसे बन जाता है आपको, फिर उसको हम करेंगे हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, देन कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, देखते हैं कुछ ऐसे हो जाता है, देन उसको हम इनसाइड इस तरह। नेक्स्ट हम करेंगे उसको बहुत ही छोटा सा बनाएंगे,
तो कुछ ऐसे पकड़ लेंगे हम, हाफ कर लेंगे, देन उसको फिर से हाफ करेंगे, देन उसको फिर से हाफ करेंगे, कुछ ऐसे बन जाता है। देन हम उसको और एक बार फोल्ड करेंगे, ये कुछ ऐसे बन जाता है। देन आप उसको यहाँ पे टक कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, उसको कुछ ऐसे कॉर्नर्स को हम पकड़ लेंगे कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं। देन कॉर्नर्स को पकड़ने के बाद ये कुछ ऐसे बन जाती है कुछ इस तरह, और ये जिग जैग के वजह से और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप बहुत साइड, कोई भी साइड आप चाहो उसको टक कर सकते हैं, बट मैं उसको ये वाले साइड जो है टक करने वाली हूँ। कुछ इस तरह, ये जो सबसे ज्यादा सिंपल वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करूंगी दोनों कॉर्नर्स को ऐसे पकड़ लूंगी पहले, देन एक साइड से ऐसे पकड़ के कुछ ऐसे बीच में ऐसे ले आऊंगी कुछ इस तरह, देन दूसरे तरफ पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगी। तो सामने से जो है आपको कुछ इस तरह बन जाती है। तो इसको हम करेंगे टैप, जिस तरह सिंपल हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, एंड वन साइड से जो है ये मैं पीछे की तरफ, मतलब ये उल्टा वाला है एंड ये सीधा वाला है, उल्टे वाले तरफ से ही आपको उसे कॉर्नर से पकड़ के ऐसे राउंड राउंड जैसे करके आप ले सकते हो कुछ इस तरह। एंड यहाँ पे जो है हमारी एंड हो जाती है, तो फाइनल जो है आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देती है। करेंगे जो है सबसे इजी वाला है, कुछ ऐसे पकड़ना है कुछ, देन ऐसे, देन ऐसे, देन कुछ ऐसे, ये बहुत ही सिंपल है जिस तरह। और दोनों कॉर्नर्स को हम ऐसे पकड़ लेंगे, देन बीच में से हम उसको ऐसे करेंगे, देन इसको जो है ऐसे करेंगे, जो सामने से कुछ ऐसे दिखाई देता है। कुछ ऐसे अगेन हम क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर्स को कुछ ऐसे पकड़ लेंगे, देन उसको और एक बार हम कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह। देन हम क्या करेंगे, जो एजेस वाला जो जगह है उसको कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, देन इस तरफ से कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। और उसको जो है ऐसे टक करेंगे, ऐसे। नेक्स्ट जो है और भी ज्यादा सिंपल है, उसको आपको एक साइड कॉर्नर से ही पकड़नी है कुछ इस तरह, देखो ये उल्टा वाला साइड है, उसको ऐसे, देन उसको ऐसे, जैसे आपको ये कोन जैसे शेप बन जाए वैसे ही करना है। देन उसको आप ऐसे कर सकते हैं। दोनों साइड से कोई भी साइड आप चूज कर सकते हो। मैंने और एक हैंड की लिया है कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं, ये भी जिगजैग वाली ही है। एंड उसको उसमें मैं थोड़ा करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये वाले जो फ्लावर वाले पार्ट है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं कुछ ऐसे फोल्ड करूंगी ताकि ओनली फ्लावर वाला पार्ट ही मुझे विजिबल हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, थोड़ा सा कुछ मैं इस तरफ पलटा दी हूँ,
देन सेम इस साइड से भी हम उसको कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, ओके कुछ इस तरह। देन हम ऊपर से कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे से भी हम कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाती है। तो गाइस कुछ ऐसे बन जाती है, ओनली फ्लावर वाली पार्टी आपके वो दिखाई देती है, तो आप जो है उसको ऐसे ही टक कर सकते हो। जिस तरह आप देख सकते हो, देन हम क्या करेंगे, इसकी जो मिडिल वाला पार्ट जो है कुछ ऐसे हम पकड़ लेंगे, रैंडमली आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, और इसको जो है हम कुछ ऐसे ही टक करेंगे। उसको कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे, ओके तो अब यहाँ से फोल्ड कर देना है, एंड जैसे साड़ी की हम बनाते हैं प्लीट्स, तो कुछ इस तरह हम बना देना है बस, कुछ इस तरह, और थोड़ा सा जो है आप प्रेस कर देनी है, एंड दैट्स इट। इसको जो है कुछ इस तरह फोल्ड कर सकते, तो यहाँ पे हम कॉर्नर्स को जॉइन करने के बाद कुछ ऐसे रोल करते जाएंगे नीचे की तरफ, जिस तरह आप देख रहे हो। आप चाहो तो उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। फोल करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देती है, जो है हम टक कर देंगे। तो गाइस कुछ ये थी हमारी बहुत ही सिंपल सी हैंकी टकिंग, जो कि साड़ी में आप कैसे हैंकी टकिंग कर सकते हो, जो कि मैंने इतने सारे सिंपल टकिंग मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इनमें से आपकी फेवरेट कौन सा है, एंड आपको सबसे इजी कौन सा लगा, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अभी तक अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरी हैंडल जो है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी रील्स को चेक करने के लिए, या फिर मेरी डेली अपडेट्स मैं वहां पे शेयर करती हूँ, जो भी फोटोज है मैं वहां पे शेयर करती हूँ, तो प्लीज मुझे वहां पे फॉलो कीजिए। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।